मंत्री बनाने वहां तक ले जाने में आप ही जैसे लोगों का हाथ है ना। अरे तो हमने आपसे एक उम्मीद बांधा था, हमने एक आशा बांधी थी कि आप सही राह पे चलेंगे, समाज के हक अधिकार की बात करेंगे। हमको क्या पता कि आप अपने परिवार को सेटलमेंट कर। आज क्या तकलीफ हो गया कि मतलब आप उनका विरोध कर? 2 साल की इनकी औकात है प्रधानमंत्री गृह मंत्री से मिलने की। सही बात है, आपकी क्या औकात है? सही कहे ओम प्रकाश राजभर, जो कहते हैं वो सही कहते हैं। अच्छा अच्छा, तो उनकी औकात की बात कहे, उनकी औकात कौन? मैं इनके साथ, मैंने कहा कि अगर हमारे हक अधिकार की बात ये कर रहे हैं तो हम इनके साथ है। लेकिन जब ये भटक गए हक अधिकार की बात ना करके, ये अपने बेटे को मंत्री विधायक एमएलसी में फंस गए। सवाल उनसे आप करिए, तो ये सवाल आप हमसे कर रहे हैं तो आप उनसे करिए। हम तो क्यों बुरा कर दिया, वो अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं तो बेटे को आगे बढ़ाइए। ये हक अधिकार को पार्टी जो मुद्दा है उसको कम्प्लेट ओम प्रकाश राजभर के आने के बाद। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ओम प्रकाश जी भी पैदा भी नहीं होंगे तब से जो है राजभर लिखा। अरे बाप रे बाप, अब वो कहते हैं कि ब्रांड बना दिया, ब्रांड ब्रांड नहीं, आज के दौर में जो है फ्रॉड है वो। वहाँ तो हमारे पहुँचा ही पहुँचा। तो आप लोग अपने हक की लड़ाई लड़े, फिर ओम प्रकाश राजभर की हम बात कहाँ से? हाँ, ये अच्छी आपने सवाल पूछा कि ओम प्रकाश जी की बात। आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा, आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे, बहुत बड़ी बात कह रहे। एकदम, आप देख लीजिए, वीडियो खंगाल लीजिए उनका। जब पार्टी बनी तो इस गरीब वंचित उपेक्षित समाज का विश्वास जीतने के लिए वह एक भगवान रूपी हमारे सुहलदेव जी की आत्मा को धारण करके दिखाए कि मैं ही सुहलदेव का अवतार हूँ। अच्छा, हाँ ये भी आप देखिएगा, इतने कौन भावनाओं से खेलता है। जीवन आचरण पा गए, न पेंशन पा गए, आप सुख सुविधा पा गए, आपको तो सब कुछ मिल गया, लेकिन ननकु जो आपके साथ विश्वास जताए हुआ था, जो आपके झंडे डंडे को लेकर पकड़ा हुआ था, आप उसके साथ उछल कर रहे हैं, डील आप कर रहे हैं। आप लीडर नहीं, डीलर हैं। अच्छा, आप डीलर हैं, ये लीडर नहीं, डीलर कीजिएगा। यही जागो राजभर जागो मोटी फाइल बनाकर इसी हक अधिकार के बाबत उनसे मिली और उन्होंने कहा कि हक अधिकार मिल जाए तो हमें के पूछी। अच्छा, हाँ उन्होंने ये कहा था, मतलब राजभरों को हक मिल जाएगा तो हमें के पूछी भाई। हाँ। भाई अगर हम पढ़ लिख लेंगे, हाँ। ये जो है चतुर हो जाएंगे। हाँ। ये अपना जागो राजभर जागो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आज से दो कुछ साल पहले आप लोग जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने राजभरों को जगा डाला कि लेकिन कौन हो राजभर है कि जाग कर भी नहीं जाग पाया और फिर से जगाने का प्रयास कर रहा है। आप इन चेहरों को गौर से देख लीजिए, एक एक अगर चेहरा आदमी देखेंगे और इनका लेवल आप देखेंगे तो लिखा है हक की आवाज, जागो राजभर राज जागो। सबके आप पहले टी शर्ट पे देख लीजिए, इनके चेहरे पे देख लीजिए, ये लोग राजभर को जगाने चले हैं। अब हकीकत मैं बताऊंगा कि राजभर को ये लोग क्यों जगाने चले हैं। राजभर के लोग कहते हैं कि ब्रांड बना दिया ओम प्रकाश राजभर, ये लोग क्या ब्रांड में कमी रह गई क्या कि ये लोग फिर से जगाने चले हैं। पहले तो स्वागत है सर जी। क्या रहा, एक महेंद्र राजभर का टप्पा बन गए और एक महेंद्र राजभर राजभर को जगाने चल गए, क्यों ओम प्रकाश राजभर से पेट नहीं भर रहा है क्या आप लोग का? देखिए, राजभर का पेट भरने न भरने की बात नहीं है, ये जो कटप्पा की बात आप किए, ये महेंद्र राजभर वास्तविक हैं, ये कोई कटप्पा नहीं है। अच्छा, और रही बात की हम लोगों का जगाने का मकसद, ये है कि हम लोग एसटी आरक्षण पे जन जागरण अभियान चालू किए हैं पूरे प्रदेश में, और आप देखे ही होंगे कि घोसी में उपचुनाव था, वहाँ भी हमारी टीम रही, हमारी टीम बलिया रही, देवरिया रही, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, तमाम जिलों, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर से लेते हुए सभी जगह जन जागरण अभियान चल रहा है हमारा, एसटी आरक्षण। क्योंकि अभी आप देखे होंगे कि 9 साल से बीजेपी की सरकार है केंद्र में और 7 साल से यूपी में है। तो सत्ता में रह के राजभर ओम प्रकाश राजभर साहब जब इस तरह की बात कर रहे थे तो आप लोग के कूदने की क्या जरूरत है? एक लोग आप कहावत आपने सुना था, कूदत रहे नाचत रहे मतलब भाड़ का जिका ऐसे था ना, तो आप लोग तो भाड़ बन के कूद गए उसमें। देखिए, अब कौन भाड़ है और कौन साण है ये तो समय बताएगा। दूसरी बात कि हम लोगों का जो संगठन है, ये संगठन मुख्य जो उद्देश्य है, जो समाज की मांग है, जो समाज की जरूरतें हैं, उसके लिए हमारी लड़ाई, हमारी लड़ाई अपने बेटे को राजकुमार बनाने के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई समाज के बेटों को राजकुमार बनाने के लिए है। इसलिए हम लोगों ने ये जनजागरण अभियान चालू किया है जिसमें एसटी आरक्षण को लेकर, अभी हमने आपसे कहा कि 9 साल से सेंट्रल में सरकार है और 7 साल से यूपी में है, और ये 2019 में भी सरकार में 18 में भी रहे, तब इन्होंने हक अधिकार की बात नहीं किया, फिर सरकार से निकाले गए, फिर सरकार में गए, फिर वही गुमराह करने की राजनीति इनकी कि हम आरक्षण के लिए। तकलीफ क्या है, किस बात से तकलीफ है? वो भी तो क्या चाहते हैं कि आप लोग का आरक्षण मिल जाए, एसटी वाला आरक्षण आप लोग मिलने लगे। ओम प्रकाश राजभर भी तो ये बतिया करते हैं समाज में आपके, बात करते हैं ना। करनी और करनी और कर्तव्य में अंतर होता है। करनी इनका अगर कहते अगर कह रहे हैं करने के लिए, अगर कह दिए होते करते तो हमको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हम लोग क्यों ये जन जागरण करते?
अगर आज एसटी आरक्षण मिल जाता तो हमारी क्या जरूरत थी, हम भी तो उनके साथ गाजे बाजे के साथ रहते, हम भी उनका झंडा ढोते, तो हमारी लड़ाई तो हक अधिकार की, हमारी लड़ाई एमपी एमएलए एमएलसी और मंत्री विधायक सांसद की नहीं है, हमारी लड़ाई न्यायालय सचिवालय विश्वविद्यालय में बच्चों को एंट्री कराने के लिए है, उनको हक अधिकार के लिए है, सिस्टम में बैठने के लिए, बाबू चपरासी डीएम आईपीएस आईएएस। तो हम प्रकाश राजभर पहले खुले मंच से कह चुके हैं, वो अपने बच्चों के लिए कहते हैं, अपने घर के लिए कहते हैं, वो आज तक किए, कभी आपने मंच से सुना है कि स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार की बात की है? पूरा राजभर की बात करते हैं वो। अरे बात करते राजभर के बच्चों को मंत्री बना देंगे, आपने बयान सुना है कि नहीं सुना है? अरे 2 करोड़ राजभर है तो 2 करोड़ मंत्री बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे? 60 तो कैबिनेट मंत्री होता है, 2 करोड़ बनाएंगे भाई, तो वही बतिया ना कहते, हमारा थोड़ी सवाल है, सवाल नहीं है तो आप उनसे सवाल नहीं कर सकते कि 2 करोड़ राजभरों को मंत्री बनाएंगे? मंत्री बनाने वहां तक ले जाने में आप ही जैसे लोगों का हाथ है ना। अरे तो हमने आपसे एक उम्मीद बांधा था, हमने एक आशा बांधी थी कि आप सही राह पे चलेंगे, समाज के हक अधिकार की बात करेंगे, हमको क्या पता कि आप अपने परिवार को सेटलमेंट करने तो आज क्या तकलीफ हो गया कि मतलब आप उनका विरोध? हम 2 साल से लेकर के 3 साल से हम लोग कोर्ट से लेकर रोड तक एसटी आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट ने 4-4 बार 5-5 बार आर्डर कर दिया है, उसको कंप्लायंस की बात नहीं करते, उसकी अमल की बात नहीं करते, बस कहते हैं कि हमने ये सर्वे करा दिया, सर्वे शासनादेश मेरे पास है, आर्डर मेरे पास है, जागो राजभर, जागो ने कोर्ट गया, कोर्ट की वजह से यहाँ तक सर्वे हुआ है, आज उस सर्वे को कर रहे हैं, हम कराए हैं, कह रहे हैं, कल आप देखे होंगे कुछ मीडिया वालों से बोले हैं कि इनकी औकात है प्रधानमंत्री गृह मंत्री से मिलने की। सही बात है, आपकी क्या औकात है? सही कहे हैं ओम प्रकाश राजभर, जो कहते हैं वो सही कहते हैं। अच्छा अच्छा, ये भी समझ। तो उनकी औकात की बात कहे, उनकी औकात कौन बनाया? हम ही जैसे लोगों ने बनाया, जो आज वो उछल कूद कर रहे हैं, जो मंत्री विधायक, इसीलिए तो आपको औकात दिखा दिए ना। हाँ, तो औकात दिखा दिए, वो हमारी औकात नहीं दिखाए, वो समाज को औकात दिखाए कि समाज की औकात कहाँ है, समाज कहाँ रहना चाहता है, समाज इनके लिए क्या किया है, थोड़ा गौर किससे पहचानिए, इसलिए कि उनको विधायक बनाने में ये जहूराबाद से, जहूराबाद का उनका हाथ रहा। पहले तो आपका स्वागत है, क्या नाम? मेरा नाम राजू राजभर है, मैं जागो राजभर जागो का प्रवक्ता हूँ। राजभर पहले से लिखते थे कि ओम प्रकाश राजभर के आने के बाद? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ओम प्रकाश जी पैदा भी नहीं होंगे तब से जो है राजभर लिखा जाता है। बाप रे बाप, अब वो कहते हैं कि ब्रांड बना दिया, ब्रांड ब्रांड नहीं, आज के दौर में जो है फ्रॉड है वो। अरे आपको ये बता दें कि जो ब्रांड की बात हो रही है वो टोटल आज फ्रॉड का काम कर रहे हैं, और जागता हुआ युवा और जागता अच्छा, हुआ दिए थे कि नहीं आप? 100% दिए थे। अगर आज 21 साल बाद पार्टी बनाने के बाद भी अगर हमारा समाज जो है दर दर भड़क रहा है अपने हक अधिकार के बाबत, उसकी जो है प्रतिनिधित्व कहीं नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारा कमी नेतृत्व में है। अरे संयम रखिए, मंत्री बनेंगे आप? हम नहीं मंत्री बनेंगे, कौन बनेगा? राजभर है ना, आपकी नहीं है? हमारे एक राजभर के प्रतिनिधित्व बन जाने से पूरे समाज का जो है विकास नहीं हो जाएगा। अगर आप राजभर के मंत्री की बात कर रहे हैं, कोई ऐसी संवैधानिक संस्था नहीं है जहां हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। हमारे समाज ने जो है सांसद भी बनाया, हमारे समाज ने विधायक भी बनाया, हमारे समाज ने मंत्री भी बनाया, एमएलसी भी बनाया और एमएलए भी बनाया। हम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जहां पे निर्वाचन के द्वारा चुन कर जाते हैं, वहां तो हमारे पहुंचा ही पहुंचा। आप लोग अपने हक की लड़ाई लड़े, फिर ओम प्रकाश राजभर की हम बात कहां से? हां, ये अच्छी आपने सवाल पूछा कि ओम प्रकाश जी की बात कहां से आती है। ओम प्रकाश जी जब समाज में आते हैं तो कहते हैं कि हम एसटी आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं, और जिसके साथ आप गठबंधन करते हैं उस गठबंधन से एक जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा या वहां से कोई एक विश्वासी जो है कोई ट्वीट या कोई वक्तव्य नहीं आता है। आप जो है हाईकोर्ट के आदेश को अपने लेकर पहुंच जाते हो कि हम इसी आधार पर डील करने जा रहे हैं, और जब हम लोग पत्रचार करते हैं आपसे पत्र के माध्यम से उसका जवाब मांगते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं नहीं जो है हम भटक रहे हैं, हम भटक रहे हैं, हम अगर सवाल कर रहे हैं आपसे तो भटक रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि जागता हुआ युवा और जागते हुए समाज को नेता बर्दाश्त नहीं करते, ना सत्ता बर्दाश्त करती है। अच्छा, हाँ, तो मतलब कहाँ आपको लग गया चोट की नहीं उनके विरोध खड़ा होने की जरूरत पड़ी? उनसे हम विरोध में नहीं, देखिए यही गलत बात, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, स्पष्ट मैं आपका बता दे रहा हूँ कि उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने हक अधिकार की छटपटाहट के साथ अपने हक अधिकार के साथ हूँ। हमें आज 48 घंटे में बिना किसी आयोग, बिना किसी सर्वेक्षण, बिना किसी जो है कोर्ट के आदेश के दिए हुए ईडब्ल्यूएस का 10% का आरक्षण दे दिया जाता है। हमारे लिए कोर्ट ने 4-4, 5-5 बार जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के बाद अवमानना याचिका में आदेश दे रहा है, 11 मार्च 2022 को आदेश दिया। तमाम आयोग की रिपोर्टें हमारे पक्ष में कह रही हैं, हम क्रिमिनल ट्राइब एक्ट से पीड़ित एक समाज है, और आजादी के बाद भी अमृतकाल में हम जो है अमृत अपने पाने के लिए, अपना अधिकार पाने के लिए तरह तरह भड़क रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे नेतृत्व में दोषी है, कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र में खामी है, तो दोष तो है ही। तो क्या उम्मीद था कि राजभर साहब से, ओम प्रकाश राजभर से क्या उम्मीद थी? आप लोग वोट दिया और उनको वहां तक पहुंचा, किस उम्मीद से? देखिए उम्मीद यही था
कि इस गरीब वंचित उपेक्षित समाज की जो एक आवाज बनकर आए हैं उसकी पीड़ा को आत्मसात करेंगे और ननकू जिस तरीके से झोपड़ी में पड़ा हुआ है, जिस ख्वाब और विश्वास सपने सजो कर रखा है उसके सपने को पंख देंगे, रंग भरेंगे। लेकिन उन्होंने भरा किया, समाज देख रहा है, तमाम भरा किया। अगर गठबंधन होता है तो गठबंधन में इनका परिवार लड़ता है, बिना गठबंधन समाज लड़ता है। जब जब गठबंधन हो, प्रथम गठबंधन जो है भारतीय जनता है, प्रथम गठबंधन कौमी एकता दल के साथ होता है, कौमी एकता दल के साथ गठबंधन होता है और खुद पत्नी लड़ जाते हैं, अपने जौरावास से लड़ते हैं, पत्नी को रसड़ा से लड़ाते हैं। दूसरी गठबंधन जो है बड़ी पार्टी भाजपा से साथ होती है, 8 टिकट मिलते हैं, अपने लड़ते हैं, अपने समधी जी को भी लड़ाते हैं, अपने बेटों को भी लड़ाते हैं। ये कहां से हमारे समाज के न्याय कर रहे हैं। उसके बाद फिर जो है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होता है, टिकट 16 से 17 मिलते हैं, फिर बाप बेटे लड़ते हैं। ये कौन से सामाजिक न्याय है भाई? क्या समाज में उनके ही बेटे काबिल है और सब बेटे जाहिल हैं? और बेटे जाहिल हैं, आप बताइए सामाजिक न्याय है? समय दिया जाएगा, कितना समय दिया जाता है? 21 साल ही हुआ, आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा, आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे, बहुत बड़ी बात कह रहा। एकदम, आप देख लीजिए, वीडियो खंगाल लीजिए उनका। जब पार्टी बनी तो इस गरीब वंचित उपेक्षित समाज का विश्वास जीतने के लिए वह एक भगवान रूपी हमारे सुहलदेव जी की आत्मा को धारण करके दिखाए कि मैं ही सुहलदेव का अवतार हूँ। अच्छा, हाँ, ये भी आप देखिएगा, इतने कौन भावनाओं से खेलता है, कौन नेतृत्व जो है ऐसे गरीब कौम से खेलता है। आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर चुनाव क्यों लड़े आप? सुहलदेव जी की आत्मा धारण करने के बाद भी आपको रति भर शर्म नहीं आई कि आज भी हमारा समाज जो है गरीब वंचित उपेक्षित बिलख रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है, और एक जो है उसका IAS और IPS नहीं है, एक जो है सामाजिक प्रतिनिधित्व नहीं है, ना उसके सचिवालय, विश्वविद्यालय, न्यायालय में उसका प्रतिनिधित्व है, और हम जो है जिस बेस से उठे थे, जिस आधार से उठे थे, उससे कई हजार गुना हम आगे आ गए हैं, हम अपना आरक्षण तो पा गए हैं, और आप तो तरसते रहो भाई, आप तो आजीवन आरक्षण पा गए, ना पेंशन पा गए, आप सुख सुविधा पा गए, आपको तो सब कुछ मिल गया, लेकिन ननकू जो आपके साथ विश्वास जताए हुआ था, जो आपके झंडे डंडे को लेकर पकड़ा हुआ था, आप उसके साथ उछल कर रहे हैं, डील आप कर रहे हैं, आप लीडर नहीं डीलर हैं। अच्छा, आप डीलर हैं, लीडर नहीं डीलर की बात कर रहे हैं, और समाज में आकर कहते हैं कि लीडर लूडर की बात करते हैं। साफ तार्किक सवाल मैं उनसे क्वेश्चन करता हूं आपके माध्यम से, आप जो है इसी गठबंधन में 2017 में सत्ता में थे ना, सत्ता में थे कि 2017 में आपने देखा होगा भाजपा की सरकार आती है और उसमें वो आते हैं, आने के बाद वो कैबिनेट मंत्री को सुशोभित करते हैं, और 2019 में याद दीजिएगा यही जागो राजभर जागो मोटी फाइल बनाकर इसी हक अधिकार के बाबत उनसे मिली और उन्होंने कहा कि हक अधिकार मिल गई तो हमें के पूछी। अच्छा, हाँ, उन्होंने ये कहा था, मतलब राजभरों को हक मिल जाएगा तो हमें के पूछी भाई। हाँ। भाई अगर हम पढ़ लिख लेंगे, हाँ, ये जो है चतुर हो जाएंगे, हाँ, ये अपना गला अपनी गलती सही समझ, इनकी समझ बढ़ जाएगी, हाँ, इनकी समझ बढ़ जाएगी, हमारे समाज की बढ़ जाएगी, चिंतन मंथन तर्क करने लगेगा, हाँ, तो नेताओं को पूछेगा कौन? ये जो है मजबूत, ये मतलब ये खिसकाने की बात है। 2019 में आते हैं, समाज को दिखाते हैं पूरे कि मैं अंबेडकर की तरह जो है त्याग पत्र लेकर घूम रहा हूं, और जो है सामाजिक समिति की रिपोर्ट नहीं लागू होती है तो मैं त्याग दे दूंगा। सामाजिक समिति की रिपोर्ट के लिए भी हम गए थे, रीट पटिशनर में खुद था उस समय, जो ओबीसी की लिस्ट को चैलेंज करने के बाद हम लोगों ने रीट डाला, उसके बाद जैसे ही सरकार बैठती है 2017 में तुरंत जो है आता है कि भर राजभर का कल्याण करके इनकी व्यवस्था की जाए और पिछड़ा वर्ग को बांटने के लिए जो है एक आयोग बैठा दिया जाता, उस आयोग पर भी राजनीति उन्होंने किया और कहा कि जो है अगर भाजपा ये बात नहीं मानती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, जबकि सवाल ये था कि 2000 इस्तीफा आपने जो है अपने बेटे घोसी में सांसद बनाने के लिए दिया था कि अगर अमित शाह घोसी की सीट अरविंद को दे देते हैं लड़ने के लिए तो डील होगा, अगर नहीं देंगे तो डील नहीं होगा, नहीं मिला नहीं डील हुआ। लेकिन समाज को क्या बताया इन्होंने? समाज को ये बताया कि देखिए ये भाजपा जो है अधिकार नहीं दे रही है हमारे समाज को, भाजपा ने जो इसको अमली जमा नहीं पहनाया तो मैंने इस्तीफा दे दिया। आज कौन सी जरूरत पड़ गई भाई? न वह ST आरक्षण के अमली जामा पहना दिया गया है, न OBC आरक्षण को बांट दिया गया है कि आप इतने जो है मंत्री पत्र के लालाए थे, तब तो जो है चार्त्रिक दोष है आप में। जिसने आपको भी दिया है जो आज मिल रहे हैं प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी, मतलब अब औकात की बात आ गई है, औकात का, अब औकात नाप रहे हैं समाज का कि समाज का औकात क्या है कि वो प्रधानमंत्री से मिलेंगे, राजभर को सबक सिखाएंगे कि एक बाप की औलाद बनकर रहो, राजभरों के नाम को मत डुबाओ, तुम्हारे वजह से पूरा राजभर कौन बदनाम हो रहा है, तुम जब जहाँ जाते हो अपने बाप का ही नाम लेते हो और वहाँ तुम हार जाते हो। अच्छा। इसलिए कम से कम अपने बाप का, कम से कम अपना तो जो बिगाड़ रहे बिगाड़ ही रहे हो, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, जो माँ अपने कोख में 9 महीने पालने के बाद जन्म दी और तुम उसी को गाली देते हो, कम से कम उसको गाली देना बंद करो। अच्छा। तुम तो अच्छा, इससे तो आप लोग को भी गाली पड़ता होगा, बिल्कुल पड़ रहा है, बिल्कुल। आपको लगता है कि आप चार लोग हैं लेकिन नहीं लगता है कि आप चारों लोग एक बाप के औलाद हो। देखिए ये जो आपने शब्द कहा,
यह बहुत बड़ी बात कहा आपने। जब नेतृत्व कोई गलत या सही काम करता है तो उसकी परछाई जो है समाज पे पड़ती है, उनके हर एक आचरण की परछाई हमारे गरीब वंचित दुखी समाज में पड़ रहा है। वह जो है बड़बोड़ों के चक्कर में जो है समाज में जो विकृतियां डाल रहे हैं, वह कभी जो है भाजपा को गरिया देते हैं, कभी बसपा को गरिया देते हैं, कभी जो है सपा को गरिया देते हैं, तो उसकी कहीं ना कहीं परछाई जो है इस गरीब वंचित दुखी समाज में पड़ रही है। क्यों? क्योंकि एक भारत का समाज है जहाँ सभी लोग मिलकर रहते हैं, वहाँ यादव वर्ग भी है, वहाँ शेड्यूल कास्ट भी है, वहाँ एससी भी है, ओएसटी भी है, जनरल भी है, सभी आपस में भाई भाई की तरह हैं, और वहाँ पे उनके कृत्यों का जो है छवि पड़ती है। यहाँ यादव से इनकी नहीं पड़ती है, इनका चमार भाई से नहीं पड़ती है, यहाँ दलित भाई से नहीं पड़ती है, यहाँ जनरल से नहीं पड़ती है, यार तुम्हारा नेता तो ऐसा है। तो थोड़ा सा जो है आग्रह आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं उनको कि इस पे जो है वो समीक्षा करें, और जाति सूचक जो है ये जो जहर बो रहे हैं वो खाई ना बोए सभी भारत। अगर नहीं मानते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए उनके मानने न मानने से बात अलग है, ये युवा जोश युवा शक्ति मतलब युवा जाग चुका है, सही सोच सही लोग सामूहिक प्रयास के नारों के साथ जो है एक चिंतन बौद्धिक बौद्धिक चिंतन और तर्कशील करने वाले जो हमारे युवा साथी हैं वह अपनी हक की आवाज को लेकर मसाल स्वरूप जो है चल पड़े हैं। चलिए इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है, जिस तरह से आप देख रहे हैं ये लोग अपनी आवाज और जागो राजभर जागो। अब राजभर अगर सोया है तो जाग जाए, नहीं तो न जाने कितने बाप की औलाद होगा, भगवान जाने। अब ये लोग हकीकत सामने लेकर आए हैं, और आप लोग कहते थे ना कि राजभर सभी राजभर इनके साथ हैं, ये लोग भी राजभर हैं। और गौर से इन लोगों को देख लीजिए आगे चल के इन लोग का क्या हालात होगा, और ये लोग अपने बातों से कितना अमल होंगे, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।